ओम शांति। 18 जनवरी 75 अव्यक्तवाणी साक्षात्कार मुहूर्त और फरिश्ता मुहूर्त बनने का निमंत्रण। पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परमपिता शिव बोले। सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असुवन मोती, गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रूहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रूहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना कर रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे। अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है उसको जानते हो। बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापिस घर नहीं जा सकते हैं। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते व बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहां से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है। बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता। एक सेकेंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता। बनना ही है, आना ही है। एक सेकेंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती। क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते। विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो। बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो। क्या रहम नहीं आता। अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता। अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ, तब ही सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव निराकारी भव
निरअहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है न। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञानमूर्त, यादमूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनो द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे, जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो। अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे? ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा? सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है? वह फिर वतन से करेंगे। एक सेकेंड में सर्व संबंध के लिए सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी न रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ऐसा कोर्स किया है या करना है? जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो जानते हो कि बाप दादा उन्हें कौन से क्लास में जाने नहीं देते? वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उन्हों को क्लास में जाने नहीं देते तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए यह दो मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए, तुम संगम पर उपस्थित होना तो ऐसे अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है, ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार है, ऐसा अनुभव होना। इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया गया है। मेरे को मैं समझ लिया गया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के है, इनको भी मेरे समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान अर्थात
ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि यह मेरा संस्कार तो नहीं, यह मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा? तो इस वरदान पवित्र भव और योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुभ संकल्प में रमन करने वाले अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे व साकारी देश में दूर देशी बच्चे जो है उन्हों के प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है, तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाला? बाप कहते हैं, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसलिए बाप दादा आपकी याद आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो है ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदाता बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।